है ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्सएप। जैसा भी थंबनेल पे देख चुके हो, आज हम लोग बात करने वाले यार आई 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग। आज कंप्लीट सेल्स ऑब्जेक्शन टेक्निक्स को कॉम्पैक्ट करके आपके सामने एक 15 टू 20 मिनट्स ट्यूटोरियल में आपके सामने रखने वाला हूं। दिस इज गोइंग टू बी द वन स्टॉप सॉल्यूशन विद ऑल द स्क्रिप्ट्स, हाउ एग्जैक्टली यू नीड टू हैंडल एन ऑब्जेक्शन, हाउ एग्जैक्टली यू नीड टू फॉलो अप। राइट, देखो सेल्स एक स्ट्रांग मैकेनिज्म। आज के डेट पे सेल्स मल्टीपल तरीके से करते हैं, राइट? यू आउटबाउंड और यू इनबाउंड। दैट मींस या तो आप लोगों को रीच आउट करते हो या तो आप इनबाउंड लीड जनरेट करते हो। इन एनी ऑफ द मेथोडोलॉजीज कहीं ना कहीं एक ऐसा टाइम आता है जब एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और एनी इनसाइड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या बिजनेस डेवलपमेंट का बंदा वो कंटीन्यूअसली कंसिस्टेंटली कस्टमर के साथ टच में रहता है, राइट? इन दिस एंटायर मेथोडोलॉजी गेम होता है कि आप किस तरीके से कस्टमर के साथ अपना रैपो बिल्ड कर सकते हैं ताकि वो ट्रस्ट बिल्ड हो, अथॉरिटी बिल्ड हो, वो आपके ऊपर एक तरीके से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस गेन करे और आपके सोल्यूशन के अराउंड एक डेमोन्स्ट्रेशन या तो आपके सोल्यूशन के अराउंड एक ट्रायल बुक करे। तो आज इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में हम देखने वाले कि व्हाट एग्जैक्टली यू शुड बी डूइंग सो दैट जो भी ऑब्जेक्शन हो वो न्यूट्रलाइज हो जाए। कभी भी कोई भी ऑब्जेक्शन रिजेक्शन नहीं होता, वो एक रीडायरेक्शन होता है। इट डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पॉजिटिवली उसे एम्ब्रेस कर रहे हो, राइट? द एंटायर गेम ऑफ सेल्स इज ऑल अबाउट हैंडलिंग ऑब्जेक्शन एंड फॉलो अप। ऑब्जेक्शन को हैंडल करना और फॉलो अप करना। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गो टू द पीसी एंड अंडरस्टैंड थिंग्स इन डिटेल्स। तो अभी हम लोग आ चुके अपने पीसी के ऊपर। इट्स गोइंग टू बी 15 इयर्स ऑफ सेल्स ऑब्जेक्शन टैक्टिक्स इन 20 मिनट्स क्रैश कोर्स। सो आप लोग नोट्स लेके बैठ जाओ, स्क्रीनशॉट लेना ना भूलना, क्योंकि करंटली आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रिप्ट। सबसे पहला ऑब्जेक्शन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। स्क्रिप्ट क्या है? दैट्स अंडरस्टैंडेबल। मेनी ऑफ आवर क्लाइंट्स फेल्ट द सेम वे एट फर्स्ट, बट वंस दे सॉ हाउ वी बेनिफिट, जो भी आपका बेनिफिट है, हेल्प देम विद स्पेसिफिक प्रॉब्लम, दे वर ग्लैड दैट टुक अ फ्यू मिनट्स टू लर्न मोर। कुड वी स्केड्यूल अ क्विक कॉल नेक्स्ट वीक टू सी इफ वी माइट बी एबल टू हेल्प यू टू। देखो फंडा सिंपल है, सामने से मत बोलो कि सर मैं आपको तो दिखाऊंगा ही अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विसेज को। बोलो कि सर लॉट ऑफ क्लाइंट्स फेल्ट इन द सेम वे। उनको बोलो कि हमारे पास्ट के क्लाइंट्स को भी ऐसा ही फील होता था, लेकिन जब उन्हें यह समझ में आया, व्हेन दे रियलाइज्ड कि हमारा एक स्पेसिफिक लीड जनरेशन सिस्टम कैसे आपके आरओआई को 2x कर सकता है, आरओआई को डबल कर सकता है, दे वर इंटरेस्टेड टू टेक अ फ्यू मिनट्स टू एक्सप्लोर आवर सॉल्यूशन। क्या हम आपके साथ नेक्स्ट वीक एक कॉल स्केड्यूल कर सकते क्या? तो एक वैल्यू प्रपोजिशन देखोगे, अगर ये स्टेटमेंट, दिस स्पेसिफिक स्टेटमेंट, आप अपना वैल्यू प्रपोजिशन डिस्प्ले कर रहे हो। The next objection is going to be, I don't have time. Normal objection. The customers are busy and of course they are genuinely busy. लेकिन हमें ऐसा क्या impression और rapport जमाना है कि atleast यार second call में वो एक impression आप कह सकते हो कि वो authority के साथ आप बात कर सकते हो। Now the response is going to be, how exactly the response is going to be? The response is going to be something like this. Just a minute. I understand you are busy. तो यहाँ पे हम empathy दिखा रहे हैं. This is called empathy. And I promise to be brief. I will only take few minutes to determine if we could potentially provide value to your business. If it's not a fit, we can part away always. Quickly. How does that sound? Simple sa funda hai, boss. Bolo ki main yahan pe kuch sell to nahi kar raha, but I will just take a 2 minutes of time just to check that if there is a possible synergy that we can establish. If it's not fit, then definitely I can put you off from my list. है ना, सिंपल सा बात है यार। उनको बोलो कि सर आपसे बस 60 सेकंड्स अपने टाइम में रहने वाला हूं, जस्ट टू चेक इफ देयर कैन बी अ अपॉर्चुनिटी ऑफ कोलैबोरेशन। इफ इट्स अ मिसफिट, देन डेफिनेटली मैं आपको अपने लिस्ट से पुट ऑफ कर दूंगा। इट्स सो हम्बल, राइट? लॉट ऑफ क्लाइंट्स, ट्रस्ट मी, दे विल से हे सेंड मी एन ईमेल। एब्सोल्युटली आई वुड बी हैप्पी टू डू दैट, जस्ट टू मेक श्योर आई सेंड यू द मोस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। कैन आई आस्क यू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस अबाउट योर करेंट नीड्स एंड चैलेंजेस? तो क्या होगा, हम कस्टमर को ना एक अलग ही यू नो एंकर की तरफ ले जा रहे हैं। हम उनको डायरेक्ट कॉल को डिस्कनेक्ट करने के लिए नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि ओके यू अलाउड मी टू कम्युनिकेट विथ यू, बट यू वांट मी टू डू दैट ऑन ईमेल। सो बिफोर आई सेंड एन ईमेल टू यू, आई एम एक्चुअली क्यूरियस टू राइट एन ईमेल और सेंड यू सम इन्फॉर्मेशन विच इज रिलेवेंट टू योर करंट गोल्स। तो क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? Just ask few questions that what exactly you do and what exactly your current goals as a whatever designation, जो भी designation पे वो काम कर रहा है, create some sort of relevancy, right? Then comes, we are already having an agency or we are already having a supplier or a partner. नहीं भी होते हैं तो बोलते हैं कि we are already working, we are already using a tool or we are already with a partner. That's great to hear. We are not looking to replace your current supplier, but rather to offer an additional solution that might complement what you're already using or that you're already having. Could we discuss how we might provide value in areas where your current supplier may not? तो आपको ना रिप्लेसमेंट की बात नहीं करनी है,
आपको कॉम्प्लीमेंट की बात करनी है कि आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो आपकी करेंट टीम को, आप कह सकते हो कि आपके करेंट टीम को आप ऑगमेंट कर सकते हो. दिस इज नॉट मैन पावर रिप्लेसमेंट, दिस इज मैन पावर ऑगमेंटेशन. सो यू हैव टू जस्ट से सर वी आर नॉट लुकिंग फॉर ए रिप्लेसमेंट राइट नाउ, जस्ट वॉन्टेड टू चेक इज देर एनी नीश रिक्वायरमेंट या इज देर एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जहां पे हम कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं आपके एग्जिस्टिंग टीम को. इट साउंड सो पॉजिटिव राइट. देन कम्स सामने वाला बंदा बिगड़ा हुआ है, इज दिस अ सेल्स कॉल राइट. इट्स एक्चुअली कॉल टू इंट्रोड्यूस आर सोल्यूशन दैट हैज हेल्प्ड आर बिजनेस लाइक योर्स. सिंपल सी बात है यार, इन द फर्स्ट लाइन यू आर एक्चुअली टेक्निकली आप एडमिट तो कर रहे हो. फर्स्ट लाइन में आप देखो ना, इट्स एन यू आर जस्ट एडमिटिंग दैट इट्स अ सेल्स कॉल, बट यू आर डूइंग इट इन अ वेरी प्रोफेशनल वे राइट. इट्स एक्चुअली कॉल टू इंट्रोड्यूस अ लीड जनरेशन सिस्टम दैट हैज हेल्प्ड मेनी क्लिनिक्स टू डबल देयर पेशेंट अपॉइंटमेंट्स. तो है तो सेल्स कॉल ही राइट, लेकिन वो वैल्यू प्रोपोजिशन रजिस्टर कर रहे हो फर्स्ट लाइन में. आई एम नॉट हियर टू सेल एनीथिंग राइट नाउ, जस्ट टू सी इफ इट माइट मेक सेंस टू एक्सप्लोर फर्दर. वुड यू बी ओपन टू अ ब्रीफ कॉन्वर्सेशन, मे बी अ 10 मिनट्स सर. सो यहाँ पे हम उन्हें वैल्यू प्रोपोजिशन दे रहे हैं और बोलो कि आई एम नॉट लुकिंग फॉर एन इमीडिएट अपॉर्चुनिटी. वी आर नॉट लुकिंग फॉर एन इमीडिएट अपॉर्चुनिटी राइट नाउ. इफ वी कैन हैव अ 10 मिनट्स कॉल, देन वी कैन एक्चुअली चेक द फिटमेंट. कॉल मी बैक लेटर. Call me back later. Yeah, of course, your prospects are busy, right? Of course, I can do that. Just to make most of our next call. Unko bolo ki definitely sir, I'll call you back. Lekin, to make the most from the next call, could you share a bit about the areas you are currently focusing on so I can prepare some relevant information? Dekho, saamne wala banda, jaise pichle wale script pe, they're asking you to shoot an email. Yeah, customer will ask you to call back. Right. So, this is an humble way. Dekho, the point is this. This objection handling tactics are actually not brahmastra that the person will be, you know, ready with a garland. आपको एक नो बरमाला लेके तो नहीं दौड़ाएगा आपका प्रोडक्ट लेने के लिए, लेकिन इट विल मेक यू साउंड मोर प्रोफेशनल हम्बल. आपका एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक गेस्चर बिल्ड करने में आपको हेल्प करेगा. देन कम्स हाउ डू यू गेट माई नंबर. वी हैव बिन डूइंग सम रिसर्च सर एंड फाउंड दैट बिजनेस एंड फाउंड दैट बिजनेस लाइक योर्स ऑफन बेनिफिट फ्रॉम आर सोल्यूशंस. है ना, ऐसा कर सकते हो सर. आवर टीम हैव बीन डूइंग सम रिसर्च इन द पास्ट एंड फिगर्ड आउट दैट योर एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा रिलेवेंस ही दो, या योर जिम या योर केटरिंग बिजनेस या योर इंटीरियर डिजाइनिंग बिजनेस कैन एक्चुअली गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम आवर सॉल्यूशंस. तो थोड़ा सा यहाँ पे रेलेवेंसी आप कहोगे, थोड़ा सा रेलेवेंसी जनरेट हुआ जो कहीं ना कहीं इट्स गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी. चलो सुन लेते हैं. आई ऑब्टेंड योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन थ्रू XYZ सोर्स where your business is listed. So, you can say, I got your contact information from maybe Just Dial or from IndiaMart. Definitely, sir, we respect your privacy. And if now isn't a good time, we can schedule a call when it's more convenient to you. Sir, is there a chance we can get back in the coming week? Maybe a 10 minutes of quick call? Definitely, the call is going to be an eye-opener for you. So, is there some continue? Kar sakte. The customers immediately say, let's say most of the time, if you are calling for a package, if you're calling for a solution, SaaS product, and they might say, we don't have a budget. I completely understand. Many of our clients initially had the concerns about budget. So, yahan bhi hum empathy dikha rahe hain that you are not alone. A lot of clients felt in the same way, but they found that our solutions often save more money than they cost. So, ye jo line hai na, trust me, this line is actually an icebreaker, है ना? जहाँ पे हम क्लियर कट तरीके से उन्हें ये समझा रहे हैं that our solutions are more ROI driven. Could we have a quick conversation to explore whether that might be true for you as well? तो यहाँ पे एक fear of missing out दे रहे हैं कि बहुत सारे prospects already past पे ऐसे ही सोच रहे थे, but जब हमारे services को उन्होंने लेना शुरू किया, they found that they are saving more money. कह सकते हो they have like made more 10x more money than the cost actually they have invested on the solution. Check करना चाहता हूँ कि आपके लिए भी true हो सकता है ये, right? It's kind of an empathy plus value proposition plus you are giving them a fear of missing out. तो आशा करता हूँ guys ये tutorial आपको useful लगा होगा और चाहता हूँ कि ये tutorial का आप अपने team, अपने sales team के साथ share करो. In the Admis Lifetime Mentorship Program, trust me, we are actually handholding people not just building their business, building their career, building their personal life to professional life, everything. The next batch is starting soon. What are you still thinking for? If you want somebody who wants to start a career in the digital marketing field
कॉर्पोरेट करियर बिगिन करना चाहते हो एज अ प्रोफेशनल, देन दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म। इफ यू आर फ्रीलांसर स्ट्रगलिंग, यू आर एन एजेंसी ओनर, सर्विस प्रोवाइडर, आईटी कंपनी रन कर रहे हो, आप कंसल्टेंट हो, कोच हो, ट्रस्ट मी, दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रेडिबल प्लेटफॉर्म। वी टीच लाइव, वी हैव द गट्स टू टेक ईच एंड एवरी क्वेरी लाइव। नेक्स्ट बैच इज स्टार्टिंग सून, नेक्स्ट 2 to 3 minutes आई विल क्विकली मेक यू अवेयर दैट हाउ एग्जैक्टली एडमी हैज हेल्प सो मेनी पीपल and how it can help you. Thank you so much. And the good news is, Admi ne apna lifetime mentorship program launch kiya hai. Which is Advanced Diploma in Digital Marketing and Business Leadership. Agar aap ek individual ho, freelancer ho, agency owner ho, stuck ho apne business ko grow karne ke liye, then this particular video is for you. This particular course program is for you. Number one, 4.5 months ka live class program. We don't believe on recorded materials, kyunki recorded materials pe aapka sara kuch material outdated ho jata hai. Itne jaldi se, you know, cheeze changes ho rahe. Number two, largest library management system. Live classes pe jo bhi honge, aapko revision karne ke liye, wo aapko milega on an LMS in an auto upgradable way. नंबर 3, 2 months ऑफ पेड इंटर्नशिप। अगर आप हमारे एडमी में, हमारे लाइफ टाइम मेंटरशिप में आते हो तो 2 महीना आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, प्लस आप उस पे इंसेंटिव्स पे जीत सकते हो, एक्सपीरियंस लेटर ले सकते हो, प्लस आपका पहला 2 प्रोजेक्ट भी आपको मिलने वाला है। फर्स्ट 2 प्रोजेक्ट्स ऑल्सो यू विल बी गेटिंग इट फ्रॉम आवर एंड, राइट। नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग। घर पे बैठे हो, ऑफिस पे हो, अगर प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो, क्लाइंट के साथ मीटिंग है, स्ट्रेटजी बना रहे हो कैंपेन पे, वट एवर योर डाउट इज, यू कैन गेट ऑन ए कॉल विथ आर टीम एंड गेट एडवाइजेज एंड कंसल्टिंग, राइट। वी आर जस्ट 1 कॉल अवे, इट ए लाइफ टाइम सपोर्ट आपके साथ रहने वाला है। नंबर 4, 1-to-1 सपोर्ट कंसल्टिंग डायरेक्टली विथ मी। आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है, आप कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हो, कोई पर्सनल चैलेंज है, बिजनेस रिलेटेड चैलेंज है, नो मैटर व्हाट, यू कैन डायरेक्टली बुक अ 1-to-1 अपॉइंटमेंट विथ मी। 13 ईयर्स एक्सपीरियंस टीम, वी आर 13 ईयर्स एक्सपीरियंस टीम पीपल, वी आर नॉट न्यू इन द मार्केट। हम लोग कोई कॉलेज के बच्चे नहीं कि ऑल ऑफ ए सडन सोशल मीडिया पर पॉपअप हो गए, कोई वेबिनार का आपको 99 रुपीज का झांसा देके कुछ कोर्स हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। विल बी वर्किंग विथ यू फॉर कमिंग रेस्ट ऑफ द लाइफ, राइट। 13 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, थाउजेंड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज वी हैव क्रिएटेड। आप देख सकते हो एडमी ऑफिशियल के पेज पे जाओगे, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हमने बिल्ड कर दिए हैं। आवर स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुल लाइक हेल। बहुत सारे फीचर्स एंड बेनिफिट्स है। इफ यू वांट टू रियली बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग करियर, देन यू हैव टू इन्वेस्ट हियर। एंड प्लीज रिमेंबर, दिस कोर्स एंड दिस प्रोग्राम इज ओनली फॉर सीरियस पीपल जो कि एजुकेशन और इंटेलिजेंस का महत्व समझते हैं। योर नॉलेज इज गोइंग टू बी योर पावर। अगर आज के डेट पे अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो फ्रॉम क्लाइंट, स्ट्रगल कर रहे हो इनकम में बिकॉज यू डोंट हैव दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इफ यू आर रियली सीरियस टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, क्लिक ऑन द लिंक बिलो, डाउनलोड द सिलेबस, गेट ऑन ए कॉल विथ आवर स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर, डिस्कस करो क्या चैलेंज है, क्या अचीव करना चाहते हो, क्या हर्डल है। यू नो आवर स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर विल वेरी प्रोफेशनली हेल्प यू एंड विल गाइड यू हाउ यू कैन स्टार्ट योर जर्नी ऑफ लर्निंग विथ मी डायरेक्टली। ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू सून इन माई लाइव सेशन। द नेक्स्ट बैच इज स्टार्टिंग सून।